अभी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 13 मिसेलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 6 है, क्लास 12 अभी हमारे पास चल रहा है, काफी इजी सम है, बोर्ड के अगर नजरिए से देखें तो हर बार आता है, लगभग ही मान के चलो इंपोर्टेंट है। फाइंड द पॉइंट एट विच द एफ गिवन बाय एफएक्स हैज लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तीन हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं। मैक्सिमा मिनिमा आपने अक्सर सुने हैं, सुनते आए हैं, बात आती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, अगर मैं आपको काफी कम वर्डों में समझाने की कोशिश करूं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ब्रदर किसी कर्व को देखिए, आप इस कर्व को देख रहे हो, ये जो कर्व है, ये कर्व जो है डाउनवर्ड इस तरह से, यहाँ को डाउनवर्ड कनकेव है, और एक टाइम बाद मान लो ये कर्व इस तरह से चले जाए तो ये कर्व अब यहाँ पर क्या है, अपवर्ड कनकेव है। तो ये जो डाउनवर्ड कर्व जहां से अपवर्ड कर्व की तरफ चल पड़ता है वही हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को आप आसानी से समझ चुके हैं, हम अब अपने काम में चल पड़ते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, एफएक्स हमें दे रखा है यहाँ पर, और मैक्सिमा मिनिमा के लिए सोचना है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए सोचने के लिए हमेशा क्या करो, आप डिफ्रेंशिएट करो, इसको जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन एक्स माइनस टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज ये वाला ऑप्शन आपके पास आ रहा है, और एक्स का फिर से एक्स प्लस वन का फिर से करोगे तो वन ही आएगा, वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्लस सेकंड फंक्शन एक्स प्लस वन की क्यूब और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कितना सर, फोर और एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, हम दोनों में से कॉमन लीजिए, एक तो आप कॉमन ले सकते हो एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक ले सकते हो एक्स माइनस टू की क्यूब। तो एक्स प्लस वन बाहर चले गया, थ्री रह गया, ये तीन बाहर चले गए, एक रह गया, थ्री के अंदर मल्टीप्लाई करो 3x माइनस सिक्स, यहाँ पर ब्रदर x प्लस वन की जो क्यूब है, x प्लस वन का स्क्वायर बाहर चले गया, ये क्यूब बाहर चले जाएगा, फोर और ये रह गया, यानी कि क्या ऑप्शन बचा है, 4x प्लस फोर, ठीक है। तो क्या आ गया है, x प्लस वन का स्क्वायर x माइनस टू की क्यूब, और हमारे पास आ गया है 3x और 4x कितना हो गया 7x और माइनस टू, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर बनाने की कोशिश करो, लो जी हमने यहाँ से 7 भी उड़ा दिया, 7 यहाँ से उड़ाया हमने, तो यहाँ पर आ गया 7 आपके पास, तो ये कितना हो गया 2/7 यहां पर आ चुका है, ये आपके पास फैक्टर हो चुके हैं। अब आप इनसे x की वैल्यूज को फाइंड कर लीजिए, तो ये तो जीरो है, x प्लस वन, x प्लस वन का स्क्वायर आप यहां पर इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, यहां पर x माइनस टू की क्यूब को आप जीरो रखेंगे तो इक्वल टू x इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, और आपके पास प्लस का टू आएगा, और x माइनस टू बाई सेवन को आप जीरो रखेंगे तो भाइयों x इक्वल टू टू बाई सेवन आएगा। यानी इन तीन पॉइंट पर हमें सोचना है कि हमारा ये जो फंक्शन है fx किस तरह से कहां पर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रखेगा। तो इसको हम किस तरीके से सोचते हैं, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं एक टेबल के अकॉर्डिंग। पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, सबसे पहले इसको, फिर इसको, और फाइनली हम इसको लेंगे, ठीक है। तो किस तरह से, एक टेबल आप सीख लीजिए, टेबल के थ्रू इसको समझना बहुत आसान रहता है। यहां पर आप लिखिए वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ x आपने यहां पर लिखा, ठीक है, कि x की क्या वैल्यूज है, यहां पे लिखिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स, जो आपका डिफरेंशिएशन है उसका यहां पर क्या साइन रहेगा, साइन पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, किधर को जा रहा है या सेम रह रहा है, और इसके अलावा नेचर ऑफ एफ एक्स, तो नेचर ऑफ एफ एक्स यानी आपका जो फंक्शन है उसका नेचर कैसा रहेगा, यानी कि वो मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितना सिंपल है, इस तरह से टेबल के थ्रू समझना बहुत आसान होता है और जिंदगी भर याद रह जाता है, एक बार बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो आपको पहले हमें पॉइंट लेना है x इक्वल टू एट x इक्वल टू माइनस वन, यहां पर सोचना है, फिर उसके बाद आपने सोचना है एट x इक्वल टू आपके पास टू बाई सेवन पर, टू बाई सेवन कितना होता है दोस्तों, टू को सेवन से डिवाइड करो, तो टू को सेवन से डिवाइड करोगे तो सेवन, ये सेवन टू जब 14 और ये आपके पास सिक्स बच गया, 7, 8 जब 0.28 होता है, यानी कि आप इसे 0.28 के करीब मान के समझना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहां पर, और तीसरा वाला पॉइंट ले लो, और तीसरा है एट x इक्वल टू कितना ऑप्शन है 2 है, तो यहां पर हम सोचना चालू करेंगे। पहले पॉइंट पर आ जाइए, एक बार जब आप स्मॉलर है माइनस वन से, एक बार जब ग्रेटर है माइनस वन से, माइनस वन से स्मॉलर आप जाएंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, मान लीजिए आपने मान लिया है कितना -1.1, ये स्मॉलर है, और जब आप ग्रेटर मान रहे हैं तो मान लीजिए आपने मान लिया है कितना
माइनस 0.9 स्लाइटली लेना चाहिए, स्लाइटली स्मॉलर स्लाइटली ग्रेटर, ये आपने वैल्यू ले ली। अब आप यहां पर आइए, इधर एफ एक्स जो हमारे पास था ये वाला, इसमें चेक करते हैं इसको रखकर। तो पहले हमने ये रखा -1.1, यहां पर रखोगे ब्रदर, यहां पर ये तो वेरिएबल ही नहीं है, पॉजिटिव रहेगा, यहां पर रखोगे -1.1 तो 1 और इससे ऐड करोगे स्क्वायर है, पॉजिटिव ही आ रहा है, यहां पर रखोगे क्यूब है नेगेटिव आएगा, यहां पर रखोगे ये भी माइनस ये भी माइनस, और जब से सोल्व करोगे नेगेटिव आएगा, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस दैट इज पॉजिटिव ग्रेटर जीरो। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आई। अब दूसरे को चेक करते, दूसरा यहां से चेक करो 0.9 ले लो, 0.9 यहां पे लिया तो 0.9 भी रखो, कुछ भी रखो, स्क्वायर है ये प्लस यहां पे 0.9 रखो, वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्यूब में क्या आएगा नेगेटिव, और इसके बाद यहां पर रखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो आपके पास ये भी नेगेटिव आएगा दैट इज पॉजिटिव ग्रेटर जीरो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एफ डैस एक्स का साइन है वो चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो वन है माइनस वन, इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर आपका जो ग्राफ है डाउनवर्ड जो कनकेव होता है उससे अपवर्ड कनकेव जाता है, तो ये डाउनवर्ड कनकेव से अपवर्ड कनकेव की तरफ माइनस वन से जाना चालू करेगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर समझ में आ गया। अब आप यहां पे आ जाओ, तो एक बार तो स्लाइटली इससे छोटा लो और 0.28 से छोटा, और एक बार आप इससे ग्रेटर लो 0.28 से छोटा, और मान लो आपने वो कहा है 0.8 से छोटा 0.27 ले लो, ठीक है, और यहां पर अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ रही है 0.2 ले लो, और यहां पर आप 0.3 ले लो, ठीक है, तो हमने ये ऑप्शन ले लिया। तो अब 0.2 को यहां पर रख के देखो, 0.2 यहां रखा, ये पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव ही निकल रहा है, और ये हमारे पास 0.2 यहां पे रखो तो नेगेटिव, और नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव रहेगा, और यहां पर आप रखो 0.2 यहां पे रखोगे तो आपके पास 1.4 बैठेगा, और ये नेगेटिव ही आना है, तो आपके पास ये क्या आ गया है, नेगेटिव ऑप्शन आ गया है, तो ये कितना रहेगा, ग्रेटर रहेगा जीरो से। अच्छा अब जब आप 0.3 इसमें पुट कर रहे हैं, तो चलिए 0.3 पुट करके देखिए, 0.3 ये तो पॉजिटिव है, 0.3 यहां पे रखिए, ठीक है, स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा, 0.3 यहां रखिए, 0.3 में से आप ये माइनस करेंगे नेगेटिव आएगा, और 0.3 यहां रखिए, 7 3 2.1 पॉजिटिव ऑप्शन आ गया आपके पास, तो यानी कि ये क्या रहेगा, स्मॉलर जीरो। तो साइन चेंज हो रहा है एफ डैश एक्स का, और साइन चेंज कहां से हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी आपका एफ एक्स जीरो से ग्रेटर से अब जीरो से स्मॉलर पे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, यानी कि आपके पास क्या रहेगा, ये मैक्सिमा, तो मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा रहेगा, और कहां पर, पॉइंट एट पॉइंट किसमें था, ये 2/7 पर। बात समझ में आई, अच्छा अब इसमें आ जाइए, एट एक्स इक्वल टू टू, और एक्स इक्वल टू टू के बारे में हमें यहां पर सोचना है, तो एक्स इक्वल टू टू के बारे में आप थोड़ा सा इसे स्लाइटली थोड़ा नीचे और थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, दैट वन इज एक बार तो टू से थोड़ा छोटा और एक बार टू से ग्रेटर, और टू से छोटा आप कितना स्लाइटली लीजिए 0.1.9 ले लीजिए, ठीक है, और टू से ग्रेटर आप यहां से लिख लो मान लो, और 2 से बड़ा आप यहां पे लिख लो 2.1, ठीक है। अब 1.9 आपने यहां पे रखा है तो आपके पास ये पॉजिटिव रहेगा, ये आपके पास पॉजिटिव रहेगा, 1.9 आप यहां पे रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑप्शन आएगा, और यहां पर आप 1.9 रखेंगे तो 1.9 की 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आपके पास है 1.9, तो 13.3, तो ये आपके पास क्या हो गया है, पॉजिटिव बैठेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव जब यहां पर बैठ रहा है तो ये क्या आया है, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव यानी स्मॉलर है जीरो से। इसी तरह से आपको फिर किसको रखना है, यहां पर आप रख लेना ब्रदर 2.1 को, तो वो आपका क्या बैठेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव बैठेगा, और ये रहेगा लोकल, तो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, यानी कि माइनस से पॉजिटिव प्लस की तरफ आपका साइन गया है डेस्क एक्स का, तो इसका मतलब ये क्या रखता है, मिनिमम, लोकल मिनिमम रखता है, लोकल मिनिमा रखता है, मिनिमा एट और पॉइंट किस पर, और वो पॉइंट आपका है एक्स इक्वल टू टू पर। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। थोड़ा सा ये टेबल समझाने में आपको थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन आई होप ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इस तरह से समझने में काफी आसानी रहती है। अगर आपको ये समझने में अच्छा लगा है, अच्छा महसूस हुआ है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, और बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।